सनना ऐसो कियो को कठिन काज लाजपत। आज स्वाधीनता संघर्ष के नायक और महान क्रांतिकारी लाला लाजपत राय की पुण्यतिथि है। पंजाब केसरी के नाम से लोकप्रिय लाला जी लाल बाल पाल की मशहूर तिकड़ी के एक स्तंभ थे, जिसने आजादी की लड़ाई के राजनीतिक स्वरूप में एक बदलाव ला दिया। इस तिकड़ी में लाला जी के साथ बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल शामिल थे। लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के ढुंडिके में हुआ था। 1886 में वे हिसार चले गए और वकालत करने लगे। उन्होंने पत्रकारिता शुरू की और द ट्रिब्यून जैसे कई अखबारों में लेख लिखे। 1914 में लाला जी ने वकालत छोड़ दी और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल हो गए। लाला लाजपत राय ने न्यूयॉर्क में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की और मासिक पत्रिका यंग इंडिया की शुरुआत की। उन्होंने हिंदुस्तान इंफॉर्मेशन कांग्रेस का भी प्रकाशन किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल होने और पंजाब में राजनीतिक आंदोलन में भाग लेने के कारण लाला लाजपत राय को 1907 में मुकदमा चलाए बिना ही बर्मा के मांडले निष्कासित कर दिया गया। जब वायसराय लॉर्ड मिंटो विध्वंसक गतिविधियों के लिए उनके हिरासत और बढ़ाने के लिए सबूत जुटाने में नाकाम रहे तो लाला जी उसी वर्ष भारत आ गए। उन्होंने लाहौर में ब्रादलॉफ हॉल में नेशनल कॉलेज की स्थापना की और विद्यार्थी के रूप में भगत सिंह का नामांकन किया। 1920 में लाला लाजपत राय इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण वे 1921 से 1923 तक जेल में रहे। रिहाई के बाद वे विधानसभा के लिए चुने गए। 1928 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया। जब 30 अक्टूबर 1828 को कमीशन लाहौर आया तो लाला लाजपत राय ने अहिंसक विरोध शुरू कर दिया, क्योंकि आयोग का कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। साइमन कमीशन! साइमन! पुलिस सुपरिटेंडेंट जेम्स स्कॉट ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज का आदेश दिया और व्यक्तिगत रूप से लाला जी पर प्रहार किया। लाला जी के सर में गंभीर चोट आई। अडिग रहते हुए लाला जी ने कहा, मैं घोषित करता हूं कि आज मुझ पर पड़ी लाठी भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत में अंतिम कील साबित होगी। उनकी चोट ठीक नहीं हुई और हृदय गति रुकने के कारण 17 नवंबर 1928 को उनका निधन हो गया। सत्रह नवंबर 1932 को तीसरा और अंतिम गोल मेज सम्मेलन शुरू हुआ था। गांधी जी और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया। कई अन्य भारतीय नेता भी अनुपस्थित रहे। पहले दो सम्मेलनों की तरह ये सम्मेलन भी बहुत कम हासिल कर सका। इसकी सिफारिशें मार्च 1933 में व्हाइट पेपर में प्रकाशित की गयी और उसके बाद संसद में बहस हुई। सिफारिशों के विश्लेषण और भारत के लिए नए अधिनियम को तैयार करने के वास्ते संयुक्त प्रवर समिति बनाई गई। समिति ने फरवरी 1935 में विधेयक का मसौदा प्रस्तुत किया, जिसे जुलाई 1935 में भारत सरकार अधिनियम के रूप में लागू किया गया।